सबसे पहले आपको Google Bard के अंदर लॉगिन करना है। अगर आपको Google Bard से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है जिसके ऊपर आप अपना यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं और GPT-4 के अंदर ये आर्टिकल लिखा जाएगा। उसका तरीका भी मैं अभी आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3000 वर्ड्स का आर्टिकल इसको बोला है, पर मैं जानता हूँ 1000 वर्ड से ज़्यादा शायद ही ये मुझे निकाल के दे, पर फिर भी मैंने ज़्यादा वर्ड्स बोले कि मुझे थोड़ा बड़ा आर्टिकल मिले। मैंने लिखा है टॉप 10 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ और GPT-4 के अंदर ये मुझे आर्टिकल जनरेट करके देगा, यूनिक आर्टिकल जनरेट करके देगा और प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। बस इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहे और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे उसके बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुझे ये आर्टिकल जनरेट करके देगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे आर्टिकल निकाल के दे दिया है, पर मैंने आपको कहा था मैंने 3000 वर्ड्स तो लिखे हैं पर ये पूरा निकाल के नहीं देगा मुझे। इसमें से आपको ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3 जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपने बार्ड AI के वीडियो में बता रखी है। 3 डॉट पे क्लिक करके आप पूरे आर्टिकल को कॉपी करेंगे और यहाँ से सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कितने वर्ड्स का ये आर्टिकल है। आप देखेंगे 764 वर्ड्स का इसने मुझे आर्टिकल जनरेट करके दिया है। अगर आप गूगल की अपडेट्स की नॉलेज रखते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अब लेंथ पे डिपेंड कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं कि जितना लंबा आर्टिकल आप लिखेंगे उतनी जल्दी गूगल में रैंक करेगा। आपके आर्टिकल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो गूगल सबको देना चाहता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा। अब इस आर्टिकल को मैंने कॉपी करा और ये कंटेंट मतलब AI डिटेक्टर है, अगर यहाँ पे हम इस आर्टिकल को पेस्ट करके चेक करते हैं तो हमें ये बताएगा कि ये AI ने लिखा है या फिर किसी ह्यूमन ने लिखा है। आप देखेंगे इसने मुझे 54% का स्कोर दिया है। AI कंटेंट ये शो कर रहा है तो ये गूगल में कभी रैंक नहीं होगा। जब एक वेबसाइट डिडक्ट कर सकती है कि ये आर्टिकल AI ने लिखा है तो गूगल क्यों नहीं कर सकता। पर इसी को मैं GPT-4 के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। 100% आपको यूनिक आर्टिकल मिलेगा। अगर 2-3-4% रह भी गया प्लेगरिज्म में तो उसमें कोई इशू नहीं है, मैनुअली आप उसे खुद भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस आर्टिकल का मैंने प्लेगरिज्म चेक करा, ये 100% मुझे यूनिक दिखा रहा है, पर हम इसके बेसिस पे आर्टिकल को गूगल में रैंक नहीं कर सकते क्योंकि ये AI ने लिखा है तो इसलिए गूगल में ये रैंक बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अब आती है मेन ट्रिक, पर उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने V Skill वेबसाइट को विजिट नहीं करा तो विजिट करने के 5 सेकेंड्स के बाद ये पॉपअप आएगा। इसमें आप अपना email ID, WhatsApp नंबर डालेंगे। यहाँ पे टिक करके क्लेम योर ऑफर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी email ID में 15,000 प्लस WhatsApp के ग्रुप के लिंक्स आएंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। 12 प्रीमियम डिजिटल बिजनेस कार्ड मिलेंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है पर मैं बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी तक ये लाइफ टाइम है। आप 499 रुपीज़ में 2D एनिमेशन का कोर्स ले सकते हैं, WhatsApp मार्केटिंग सॉफ्टवेयर 399 का ले सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, गूगल ड्राइव की अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ 497 में। लाइफ टाइम डील है, आपको सिर्फ एक बार पैसा देना है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स Canva Pro भी आपको मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम ऑफर है और सिर्फ 498 रुपीज़ में। किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरी WhatsApp सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करें और सेंड के ऊपर क्लिक कर दे। कुछ कॉम्बो ऑफर्स है जिसमें आपको फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको जो कोर्स पसंद आ रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जितने भी कोर्सेज में वीडियो हैं इनको ज़रूर देखें। सारे वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है और ये सारे डेमो वीडियो हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करके पेमेंट करेंगे और WhatsApp पे जाके आप अपने email ID को सेंड कर देंगे जिससे आपकी अनलिमिटेड स्टोरेज और Canva Pro का अकाउंट इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाए। WhatsApp बॉट और 2D एनिमेशन का आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आप इनकी डिटेल्स और जानना चाहते हैं तो कोर्स में कंटेंट क्या है फ्रेंड्स उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपने मेरा GPT-4 वाला वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप ज़रूर देखें। इसके थ्रू फ्रेंड्स आप Bing AI में आ जाएंगे। बिंग एआई के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, ये GPT-4 पे ही काम करता है। मैंने ChatGPT को यूज़ इसलिए नहीं करा, एक तो वो आउटडेटेड आपको डिटेल्स देगा, मतलब नवंबर 2021 से पहले की आपको डिटेल्स मिलेगी। बार्ड एआई में आपको लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बिंग एआई GPT-4 पे काम करेगा और बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए हम बिंग एआई को यूज़ करेंगे। बार्ड एआई से हमने जितना भी आर्टिकल कॉपी करा था उसे हमने यहाँ पेस्ट करना है, पर पेस्ट करने से पहले आपको एक लाइन लिखनी है, कन्वर्ट दिस आर्टिकल इनटू इजी इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखेंगे मैंने ये लिखने के बाद अपने पूरे आर्टिकल को जो कॉपी करा था यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद मुझे ये बताएगा क्या ये इस आर्टिकल को कन्वर्ट कर सकता है या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। वीडियो को देख के ये स्टॉप मत करना, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, फिर उनका आर्टिकल रैंक नहीं होता, प्रॉब्लम आती है और मुझे बोलते हैं कि भाई हुआ नहीं, और मैं कमेंट में एक ही रिप्लाई देता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बेटर है आप भी वीडियो को ज़रूर देखें, मिस ना करें। अब आप देखेंगे इंग्लिश में इसने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अभी मैं इसके सारे प्रूफ दिखाऊंगा कि ये यूनिक है कि नहीं है, या फिर हो सकता है एआई डिडक्ट कर ले और इसमें हमारा स्कोर जीरो हो जाए। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। 54% आप याद रखना, यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि 5-10 मिनट लग जाएंगे। चैट जीपीटी में बार बार स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करो, या फिर कहीं के बार उसको एक्सेस ही नहीं मिलता, फिर से रिफ्रेश करो, फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट करो। पर बिंग एआई में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देखेंगे कंक्लूजन तक पहुंच चुका है और ऑलमोस्ट हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से हम इसके वर्ड्स भी चेक करेंगे। पहले वाले जो हमारे वर्ड्स थे 764 थे, यहाँ पे अब मेरा आर्टिकल पूरी तरह लिखा गया है। अब यहाँ पे मैं पॉइंटर ले जाऊँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा। एक बार हम वर्ड्स चेक करते हैं 764 से कितने कम या ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे इसने 764 के 800 वर्ड्स कर दिए। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये AI डिटेक्ट करता है या नहीं। यहाँ पे मैंने अपने आर्टिकल को पेस्ट करा और चेक पे क्लिक करा। सबसे पहला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। 98% इसने मुझे स्कोर दे दिया, जो पहले 54% के अराउंड था। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ह्यूमन डिडक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल किसी एआई ने लिखा। अब एक बार प्लेगरिज्म चेकर में जाके इसको चेक करते हैं, किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। जितने में ये चेक हो रहा है, मैं फिर भी आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, जब आप ये पूरा आर्टिकल लिख ले तो उसे एक बार रीड ज़रूर करें। 100% एआई पे डिपेंड ना रहे। अगर कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो ज़रूर चेंजेस करें। इसका ऑन पेज एसईओ करें, मेन कीवर्ड को बोल्ड इटैलिक करें, बीच में इमेजेस को ऐड करें, इमेजेस का भी एसईओ करें। यहाँ पर आप देखेंगे 92% मेरे को शो कर रहा है, 8% प्लेगराइज है और इसको हम मैनुअली ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इसने लाइंस दे रखी है, इन लाइन को आप थोड़ा सा इंग्लिश में ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप 100% यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं।